गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन बाबा फेलिक्स और न्यातो दुकुम की तरफ से ब्रीफिंग रखा गया था, जहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया आंसू को कि बन कॉल कॉल ऑफ करने के लिए। तो उसमें एक चीज़ न्यातो दुकुम जी ने एक मेंशन किया है कि एंटी सोशल एलिमेंट भी होने का कुछ इंटेलिजेंस से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला है बोला है, तो इसके ऊपर में क्या कहना होगा? देखिए बन कॉल ऑफ कोर्स बन कॉल जो ओल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अभी जो अपिशियस पेशकों को लेकर अभी जो बंद कॉल किया, इसका एक अपना स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अभी सरकार आप लोग न्यूज़ इस इशू को फॉलो अप कर रहे हैं बोलने से पॉइंट वाइज, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पोक्स पर्सन होम मिनिस्टर बोलने वाला को प्रिसाइसली अगर जवाब देना है बोलने से, वो भी हम उसके लिए भी रेडी है। हैविंग सेड दैट, तो उसमें जो एडिशन जो अभी आप बोला है न्यातो दुकुम सर जो बोला है स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, ये तो उन लोग का काम है। सरकार इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनका पास है, पुलिस प्रशासन उनका पास है। हम लोग बहुत इशू ओरिएंटेड वाला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग का काम है, हम लोग का अपना वॉलंटियर है। तो इन द डिस्गाइज़ ऑफ ओनली स्टूडेंट्स यूनियन से कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस ये बंद कॉल को एक्सप्लॉइट करना चाहता है बोलने से इन विद इल इंटेंशन, वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट। इनफैक्ट हम भी अपील करेगा कि सरकार को अपना पुलिस प्रशासन को जितना भी आईबी डिपार्टमेंट को लगाइए, और कल को अगर कुछ ऐसे अनटॉर्ड इंसिडेंट होता है बोलने से उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को जाएगा, वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी माने सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ये है मिस्टर प्रेसिडेंट, सो द अनसू शैल स्टे रूटेड टू देयर स्टेटमेंट एंड कैरी फॉरवर्ड द बन कॉल टू That's what you wanted to say. Yes, exactly वही है। अभी आप देखिए, आप ये मैं बोलता है कि इस इशू में सबसे इंटरेस्टिंग शो पर जो जो मेरा स्टडी है, जो लॉजिकली हम स्टडी किया, इसमें यह है कि सरकार बोलता है कि काम कर रहा है, और वी एक्सेप्ट सरकार कुछ अप टू द एक्सपेक्टेशन में काम नहीं करने से भी कुछ चीज़ किया है, और उन पॉइंट वाइज भी शायद वो रिप्लाई बना के अभी शायद आशी फेलिक्स बामंग फेलिक्स स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल आप लोग को बताया है, वो आप उसका ब्रीफिंग तो नहीं देख पाया है। बट देन यहाँ में ऐसे एक चीज़ है कि सो फार 2014 से लेके अभी तक जितना भी अरेस्ट हुआ है 34 सो फार अरेस्ट हुआ है, तो मेरा कहने का मतलब है एक ही सेलर को आप अरेस्ट किया है, बायर्स टू नंबर्स ऑफ अनदर जो 33 नंबर्स है बायर्स है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ इतना सालों में एक ही आपका सेलर होगा, ताकि जरंग ही होगा। तो इसमें हमेशा एक चीज़ हमेशा रहता है कि भाई बर्चू आई एम नाबम, हमेशा बोलता है कि नाबम निपो नाबम निपो, आई एम नॉट स्टिक टू नाबम निपो ओनली, नाबम निपो भी अगर इन्वॉल्व है बोले से अरेस्ट होना चाहिए। और इससे पहले जो प्रीवियसली जो निपो से पहले जो भी सेक्रेटरी था, कमीशन जो भी आपका ऑफिसर था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका बात जितना भी स्टाफ है उनको, मेंबर्स, सेक्रेटरी को, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और बोलता है कि कर रहा है, इट इज़ ऑलरेडी 4 months आई थिंक। तो यही है हम लोग का जो कैरी फॉरवर्ड करने का। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अभी भी मेंशन किया था, 34-27 गवर्नमेंट ऑफिसर है उन लोग के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट इंक्वायरी रखा गया, लेकिन आप लोग की तरफ से कुछ पॉइंट रखा गया था मीटिंग में कि एक टाइम ड्यूरेशन वगैरह दे, क्योंकि जो तन्या दगादू के उनको अभी अरेस्ट तो किया गया लेकिन अभी तक सस्पेंशन या वगैरह कुछ अभी तक नहीं हुआ है, तो आंसू उसको देखेगी ये चीज़ को? नहीं देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग वाला बात तो है कि जब जब आंसू एक बंद कॉल अनाउंस करता है, जब आपका रैली करता है, तब आप सरकार एक्ट करता है। मेरा कहने का मतलब है 3 months में क्या कर रहा था, 3 months में तो बहुत कुछ कर सकता था, वो तो किया नहीं। अभी जैसे आपको हम बता रहे हैं कि ये लोग 4 points है, तो ये लास्ट मंथ का 21 में ये लोग कैबिनेट डिसीजन हुआ, चलो उसमें हम बोला है कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी को आप ये स्पीड पेस्ट में आप करेगा बोल के बोला, इट इज़ वेल एंड गुड। आप अभी क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया है उसको? अभी देखिए कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट 2014 सेंट्रल एक्ट का मुताबिक आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ दैट अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंड करके वो एक्ट को बनाएगा बोला है, तो आंसू क्या चाहता है, एस्पेरेंट क्या चाहता है? इसमें हम बहुत क्लियर है, पहले दिन से हमने बोला आई थॉट कि हमको गवर्नमेंट ये इनवाइट करेगा टीम आंसू को, हम लोग उसमें रखेगा। यहाँ में अरुणाचल में देखिए स्पोर्ट्स कोटा का नाम से कोई कैरम खेलने वाला को आप जॉब दे रहे हैं, कराती वाला को दे रहा है, बैडमिंटन वाला को, फुटबॉल वाला को दे रहा है, मिस अरुणाचल को फंडिंग कर रहा है, मिस कैपिटल को फंडिंग कर रहा है, अरुणाचल गोट टैलेंट को, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, तवंग म्यूजिक फेस्टिवल को, मेचुका म्यूजिक फेस्टिवल, दम्बुक म्यूजिक फेस्टिवल को आप इतना फंडिंग कर रहे हैं बोलने से। हम चाहता है कि स्पेसिफिकली ये व्हिसल ब्लोअर एक्ट का अंदर में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंशन या तो इसका अंदर में नहीं आता है बोलने से, ग्यामर पादंग जैसे जो आज का दिन में एक रेगुलेशन लेके आया है उसका सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाना चाहिए, एटलीस्ट उसको तो जॉब अनाउंस कर सकता है, वन टाइम रिलैक्सेशन गवर्नमेंट कैबिनेट का पास तो ये है, वो कर सकता है, और उसको एग्जैक्टली हम लोग वो चाहता है, तो वो डिसीजन को क्यों नहीं ये करता है?
कोई कैरम करने वाला, कैरम खेलने वाला कोई जेई है, हाँ कोई मिस अरुणाचल में पंडिंग कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि इसको पंडिंग मत करो, आप उसको ध्यान में रखते हैं। तो आज का टाइम में आप देखिए कि ग्यामर पादंग ने अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या किया है, आग खोल दिया, एक रेगुलेशन लेके आया, और ये जो इंडिविजुअल जो गेम खेलता है प्रिफरेंस में को नौकरी नहीं देता है। तो अगर ऐसे बोलते हैं तो अंशु इस टाइम क्या गलत है क्या, ग्यामर पादंग जैसे जो जो इतना बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो एक ये को ये अनफोल्ड किया है, अगली थ्रूट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ये अनफोल्ड किया, उसको क्या एक जॉब ये नहीं होता है। तो ये हम लोग का मांग है। और आप बोलता है कि ये बोलता है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल बनेगा, आप कैसे बनाएगा, आप बताइए। ये वाला जितना भी अभी एसओपी है इसको भी कौन प्रिपेयर किया है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका कमीशन मेंबर तो ये किया, इसमें कितना प्लॉस है, कितना प्रॉब्लम है। हम लोग चाहता है कि इसको भी हम लोग ये इशू को, सिंस वी आर स्पेयर हेडिंग दिस इशू पीरियड टू द लीकेज ऑफ दिस, आप पेपर लीकेज से पहले ये एपीसीएस का पेशको में अंशु काम कर रहा है, इसलिए हम लोग चाहता है कि मेरे पास भी थोड़ा सा नॉलेज है। सरकार अगर मेरा नॉलेज को लेना ही नहीं चाहता है, दैट मीन्स यू दिस सरकार इज अरोगन, हाँ बेसिस होना चाहिए। आप करता है बोल के आपका कंटेंशन को हम लोग देखने दिले। बाकी पॉइंट में हम लोग ये बोल रहे हैं कि सो पर हाउ इट इज पॉसिबल कि आप सिर्फ 34 आदमी अरेस्टेड है, 2014 का आप क्यों अरेस्ट नहीं करें, 2014 में इट वॉज अ क्लियर कट आपका ये पेपर स्कैम था, आप तब तो 5 आदमी को आर्टिकल 371 को इन्वोक करके गवर्नर अरुणाचल प्रदेश उसको सस्पेंड किया है, वो लोग का ऊपर उसका ऊपर में आयोग कौन था, उसका ऊपर में डिपार्टमेंट इंक्वायरी कौन कराया था, उसका ऊपर आप लोग रिबुक कीजिए, केस ओपन कीजिए, नहीं करता है। जब जब ओल एसी स्टूडेंट्स यूनियंस बोलता है तब करता है। और ये बंद कॉल में हम बोलता है कि एक बंद कॉल अंशु जब बंद कॉल देता है आप सारा स्टेट का पुलिस को लगा देता है, ऐसे ही ये अरुणाचल प्रदेश पेपर सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीकेज इशू में किसने नहीं लगाया, हाँ इनसे जब अंशु जब बंद कॉल करता है आप बोलता है कि गलत है, हाँ तो आप उसका जगह में पोर्स को यूज करने से अच्छा तो आप पेपर लीकेज इशू में एसआईसी का नंबर को बढ़ाइए ना। एसआईसी में कितना स्टूडेंट है आपका, 9 इंस्पेक्टर है, 1 एसपी है, आप नंबर्स को बढ़ाइए, किसे नहीं बढ़ाते हैं, 1 आयो है तो चिन्ह आया है, नंबर्स को बढ़ाइए। हम लोग इसलिए बोलता है कि अभी का टाइम में पब्लिक मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि सिर्फ एक ताकत जरंग होगा, ताकत जरंग का ऊपर भी पक्का आदमी होगा। नाबुम निपो को हम लोग स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, जितना भी फॉर्मर चेयरमैन था, सेक्रेटरी था, फॉर्मर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसको बोल रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। आप बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करा, कितना किया आप 41A में बुला के, आप कितना को नोटिस किया, कौन सा फॉर्मर सेक्रेटरी चेयरमैन जितना भी ऑफिसर का किसका प्रॉपर्टी को आप कॉन्वेस्टिगेट किया, आप ओपन आइए। आप जब तक नहीं ये सब नहीं करेगा तो आप किसे पता चलेगा। और बोलता है कि लीड नहीं मिल रहा है, लीड नहीं मिल रहा है, लीड नहीं मिल रहा है बोलने से तब तो आपका एसआईसी आप कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है। विदाउट लीड आप जब बोल रहे हैं विद कन्विक्शन बोल रहे हैं कि आपका और नंबर्स है तो आप इसलिए नहीं कर रहे, ये है। और आने वाला दिन में हम ये बोल रहे हैं कि इस इशू को अंशु को अंडरमाइन करके हम लोग का बहुत क्लियर है, हम लोग पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कन्फ्रंट नहीं करेगा, अंशु को भी कन्फ्रंट मत करो। नहीं नहीं, इसमें ये बोल रहा है कि इस इशू को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी आपका बीजेपी वर्कर्स मंत्री एमएलए सबको बोल रहा है कि ये इशू आप लोग के लिए ही है। पुलिस का पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन कल का दिन में अगर ड्यूटी करते अपने ड्यूटी में ही सीमित रहिए। हम लोग ये भी बारीकी से हम लोग का अपना अपना कैंप अपना अपना जो इंचार्ज को हम लोग ये बोल रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना है बोल के हम लोग ओल निशी स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। इन द डिस्गाइज ऑफ ओल निशी स्टूडेंट्स यूनियन और कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर आके करता है बोलने से इस चीज़ को जो अभी से संगे ड्रोमा जो मैम ने पूछा है वो उसको हम क्लियर कट हम लोग प्रसाइसली जवाब दे रहा है, वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। 12 घंटे के जो आप लोग ने बंद कॉल रखा गया है पहली बार आप टीम की तरफ से ऑन इन दिस मैटर को, क्या लगता है ये 12 घंटा के एक दिन आधा जो कह सकते हैं ये बंद कॉल के बाद क्या कुछ चेंजेस आ पाएगा, क्योंकि सरकार का तो वही है हर चीज़ का प्रोसेस रहता है, काम में डिले रहता है, तो क्या लगता है कुछ स्पीडी बढ़ पाएगा या क्या उम्मीद लेके आप लोग ये इस बंद कॉल को रखें। इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग एक जंग का आगाज किया है, हम लोग फ्रेंडली वे में इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहा था, वी विल स्टिक टिल द इशू इज रिजॉल्व।
अभी इसका देखिए डेफिनेटली कल आप लोग जैसे बंद कल ये होगा हम लोग का एंड हो जाएगा, साथ साथ में हम लोग अगला फेज को हम लोग अनाउंस करेगा, वो भी हम लोग टाइम नहीं देगा, जब हम लोग को लगता है कि अप्रोप्रियट टाइम है हम लोग कंटिन्यू करेगा। इनडिफिनेट बंद कॉल भी होगा जब तक ये इशू रिजोल्व नहीं करेगा। अगर सरकार चाहता है कि इस इशू को ये अनसू ऑफिस और इसी स्टूडेंट्स यूनियन और आपका सिविल सेक्रेटरीट सीएमओ ऑफिस कुछ कदम का ही पास लाए, अगर सरकार चाहता है कि फेस टू फेस राउंड टेबल डिस्कशन में अगर इशू रिजोल्व होता है बोलने से और अगर उन लोगों का वो माइंड सेट है तो इट इज़ अप टू डेम। अगर नहीं होता है कि सड़क में हम लोग को और निशी स्टूडेंट्स यूनियन को कंटिन्यू करने दो सोचने से इट इज़ अप टू डेम। कल के दिन में मीटिंग हुआ था और उसमें काफ़ी लंबा डिस्कशन भी चला। आज स्पोक पर्सन का होम मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि जो रिगार्डिंग दो जैसे कि कमीशन भी बैठाया जाएगा, न्यू फॉर्मेशन ओवरहॉलिंग भी किया जाएगा, साथ ही साथ जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन को भी लेकर वो बात कर रहे थे, लेकिन अभी सॉरी इंक्वायरी को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन जॉइंट इंस्टीट्यूट कमेटी का कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको इन्वेस्टिगेशन में फोकस करना चाहिए, ना कि कमीशन को फॉर्मेशन करने के लिए। उस पर अंशु का क्या कहना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि दोनों साथ में वो करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स भी मैटर करता है फ्यूचर को लेकर। नहीं, जो देखिए इसमें जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का कभी कभी अंशु का कभी कभी हम लोग का व्यू अलग होता है। मेरा इसमें ऐसे है कि ना ही हम यहाँ में कोई इस इशू में जो अंशु को जो सपोर्ट करने आया है उन लोग का अपना डिफरेंट ओपिनियन को हम लोग सुनेगा नहीं, हम लोग का अपना एक मदर्स अप्रेंडी होता है। मेरा हिसाब से हम लोग ये बोल रहा है कि आप ये मत बोलिए कि इन्वेस्टिगेशन लंबा होगा, आप एक स्पेसिफिक टाइम देना है कि इन्वेस्टिगेशन को एक आपका टाइम फ्रेम में ख़त्म करेगा। इसका बाद आप नया कमीशन मेंबर सेक्रेटरी वो भी उसका क्रिटेरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होना है, पॉलिटिकली आपका रिकमेंड नहीं होना है। दूसरा अगर वो ओके वो होने का बाद भी अगर जो यहाँ में जो जस्टिस के लिए जो फाइट कर रहा है जो एस्पेरेंट जो कम्प्लीट ओवरहोलिंग नहीं होता है और मेन कल्प्रिट को नहीं पकड़ता है वो से अंशु का स्टैंड भी क्लियर है। नहीं होने से क्या होता है कि लड़का लोग इसमें क्या हो जाता है कि कोई एक्टिविस्ट बनता नहीं, अपना अपना सेल्फ सेंट्रिक एग्जाम ही लिखना है बोल के बोलता है, तो इशू को रिड्रेस करने वाला नहीं है। तो बिहाइंड द सीन कौन सा एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ में आपका पेपर लीक हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है, बिहाइंड द सीन वो लोग अंशु को वर्कआउट करके देता है और अंशु भी अपना से वर्कआउट करके देता है। इसलिए दिस टाइम हम लोग रेजुलेशन बनाया है कि जब तक आपका कंप्लीट ओवरहॉलिंग नहीं होता है और जो मेन कल्प्रित को जो जब तक नहीं पकड़ता है वो से ओन इसी स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड इज वेरी मच क्लियर, फर्दर कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है। गोविंद जी, क्योंकि आप लगातार एसआईसी के साथ में एसपी को मिलते रहते हैं रिगार्डिंग फियास्को को लेकर, तो एसपीएन की तरफ से भी एक एलिगेशन लग रहा था कि उनको जो जाकर वहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह करता है, लेकिन बिफोर जैसे अभी मान लीजिए किसी को अरेस्ट करने जाता है उसके पहले ही दूसरे जो जिसे सस्पेक्ट किया जाता है उन्हें पता चल जाता है और उन लोग एंटीसेप्टिक बेल पहले ही ले लेता है, इसको लेकर आपने कभी चर्चा किया है एसपीएस? नहीं, एग्जैक्टली हम लोग का कहने का मतलब है ऑफ द रिकॉर्ड माइक में हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल सकता है। अगर सरकार अगर हम लोग का इनपुट लेता है बोलने से ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बहुत कुछ बात करने का है। हम लोग को भी और इसी स्टूडेंट्स यूनियन को भी लगता है कि ये एप्लीकेंट आपका सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है 101% हम लोग लगता है। इसलिए हम लोग इंटीग्रिटी को सरकार को भी हम लोग बोलता है कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन जो कॉम्प्रिहेंसिव होना है उसको करना ही है बोल के। बाकी तो ठीक है, एस्पेरेंट और उसका ये बीच में एसआईसी एसपी का बीच में क्या होता है वो हम लोग को ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस तो होता नहीं, यही है। देखिए इसका तो कल रात ही हमको मिला है, कल शाम का, और वो बहुत उसका वो बहुत बड़ा किताब बहुत वॉल्यूम बहुत उसका है, इसमें उस किताब को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। और इनफैक्ट हम जब तक खुद नहीं पढ़ता है हम आपको टू अर्ली होगा कमेंट करने के लिए। उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है, हम इसलिए बोल रहा है कि उसका इम्पोर्टेंस ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका अभी ऐसे हम जनरलाइज हुए में उसको हम बता देगा। उस थ्री मेंबर कमिटी का इम्पोर्टेंस ऐसे है कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका एसओपी वो थ्री मेंबर कमिटी लिखा बन ये रिपोर्ट बनता है और वो थ्री मेंबर कमिटी ये डिटरमाइन करेगा कि जो अभी जो लास्ट आपका जो
जो एपिशियस मेंबर जो तादर मेपुंग वागे जो बच गया है उसका बेसिस में मेरा हिसाब से आर्टिकल 3117 को लेके उसको इन्वोक करके उसका इम्पीचमेंट होगा। तो लेट मी सी कि उसमें थ्री मेंबर कमिटी कौन जो प्रिपेयर किया है, सही है कि गलत है। अगर वो गलत है बोलने से वो जो थ्री मेंबर कमिटी जो बनाया है उसका 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 ऊपर भी हम लोग सवाल करेंगे। अभी क्योंकि आपने आपकी तरफ से अभी डिटरमाइन है कि कल के दिन आप लोग 12 घंटा का बंद करने वाला है, तो जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या अभी या इसमें ऐसे है कि सबसे पहले जो जो एग्जामिनेशन हम लोग का आप लोग का डेफिनेटली फ्रेश वाला रहेगा, मेडिकल सर्विस, इसका बात पुलिस प्रशासन, मिल्क बैन, इसका बात जो भी यूजुअली जो होता है ना, इसका बात एम्बुलेंस ना, इसका बात स्पेशल केस में हम लोग को अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये आया है कि एयरपोर्ट ड्यूटी, वो भी जो ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि उसमें फ्लाइट लैंडिंग करना होता है, वो अटेंड करना है, उसको हम लोग एग्जामिनेड किया जाएगा। यही है। और आप लोग को प्रेस वाला को हम मेरा जितना भी अभी जो कैंप में बैरिस कैंप में जो इंचार्ज है हम लोग उसको हम लोग यहाँ से डिटेलिंग कर देगा कि ये जो 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 एग्जामिनेड है वो एग्जामिनेड वाला जो नंबर लिस्ट को हम लोग दे देगा। पब्लिक को तो हम यही बोलेगा कि पब्लिक जब लास्ट टाइम हम लोग आपका रैली जो रेफरेंडम रैली किया था उसमें नॉट लेस देन आपका 12-13,000 आदमी आया था, और उसमें जिसको भी मौका दिया बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अरुणाचल को रिफॉर्म करना है, ये है वो है, दिस इज़ अ राइट टाइम। वो अभी ओनली स्टूडेंट्स यूनियन का 12 आवर्स पर स्पेस जो बंद खोल किया उसमें पार्टिसिपेट करना है पीसफुली, यही है। और आने वाला दिन में इट इज़ इनफैक्ट कभी कभी विद हैवी हर्ट हम ये बोलना पड़ रहा है कि फॉर द कोज ऑफ एंटायर अरुणाचल टू रिफॉर्म द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमेशा जो ईटानगर को जो झेलना पड़ता है, स्पेशली जो हम लोग का जो दिल्ली वेंडर्स जो मछली ये मीट बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, लकड़ी बेचने वाला, बैम्बू बेचने वाला, सबको अपील करता है कि ये एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द यू नो सोसाइटी, जो आप लोग का एक दिन का जो वेज को आंसु का चलते जो आप लोग को नहीं मिलेगा, आप ऐसे मत सोचिए कि ये एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो भी जो अभी गवर्नमेंट स्टाफ ऑफिशल्स बिजनेसमैन हैं, घर में आराम से एंजॉय कीजिए, कल ये फिर गाड़ी निकाल के मेरा वॉलेंटियर्स आपको कुछ भी आपका गाड़ी को तोड़ता है जलाता है उसके लिए आंसू रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला अभी कि आंसू जो है वो आप अभी पब्लिक को अपील करते हैं, आपने कहा कि सबको ज्वाइन करने को, रेफरेंडम रैली में भी काफ़ी सपोर्ट मिला, तो सर क्योंकि कल काफ़ी लोग नहार लगन टू ईटानगर, मतलब कैसे आएंगे ना, उनके पास व्हीकल होगा क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, तो इसके विषय में कुछ आप लोग कुछ गाड़ी का अरेंजमेंट किया है या फिर कुछ किया है क्या? नहीं नहीं, इसमें इसमें एग्जैक्टली ऐसे है कि हम लोग का जो बंद पोल जो है आपका बंदरदुआ से लेके आपका वो ये गोकुल चिंपू तक होगा जहाँ तक, और ये जरूरी नहीं कि ईटानगर में ही आके पार्टिसिपेट करना है, जहाँ जहाँ आंसू का एक्टिविस्ट दिखाई देगा उसमें ज्वाइन कर सकता है। ठीक है सर। और यही है, और इसमें एक थोड़ा सा अपील ये रहेगा कि जितना भी कल जो बंद कॉल होगा, अगर कोई दुकानदार कोई बिजनेस कम्युनिटी से अगर आंसू को प्यार करता है बोलने से, हमारा जितना भी वॉलेंटियर्स है उसको पानी दीजिए, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स दीजिए, जो भी आप बनता है उसको मदद कीजिए। यही है।